नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि देखो टाइटल से आपको पता ही लग गया, रिंकू जी हमारे साथ मौजूद हैं। रिंकू जी की 16th अटेम्प्ट में 683 रैंक आई। तो ना इस छोटी सी इंटरेक्शन में हम तीन मेन क्वेश्चंस रिंकू जी से पूछेंगे। रिंकू जी के बारे में अभी तक आपने पढ़ी लिया होगा, करप्शन के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और काफी कुछ झेला भी है। तो रिंकू जी, इस डिस्कशन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो रिंकू जी, आप एक बात बताइए, जैसे थॉमस एडिसन का के बारे में हम सुनते हैं, जब उनसे पूछा गया कि 2000 अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने जब बल्ब बनाया, तो उन्होंने बोला कि ये जो मैंने 2000 अटेम्प्ट्स लिए ना, ये फेलियर नहीं है। उन्होंने बताया कि मुझे ना 2000 तरीके पता हैं कि बल्ब कैसे नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला कि 16th अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से पता है क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कि आपने मतलब अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा कि इन गलतियों की वजह से शायद मेरा सिलेक्शन रुका। तो आप बताइए कि क्या आप शेयर करना चाहते हो एस्पायरेंट्स के साथ में, ताकि कम से कम वो गलतियां ना करें जो आपने की। थैंक यू सर। इसमें डॉटी सर जो लंबा टाइम लगा उसमें काफ़ी सारे रीजंस रहे। स्टार्ट में दो फेज रहे, जॉब से पहले का और जॉब के बाद का। जॉब से पहले का जो नॉर्मली रीजन रहता है वही रहा कि जो नॉर्मली बैक्सर के साथ रहता है कि गाइडेंस ही नहीं होती। चूँकि ऐसे उसमें माना जाता था, चूँकि आप आज की डेट में तो जैसे आप है काफ़ी गाइड कर रहे होते हैं और ऑनलाइन यूट्यूब पर आके डायरेक्टली, उस समय जब स्टार्ट की थी तैयारी तो उसमें गाइडेंस थी नहीं, पता ही नहीं होता था कि कैसे। जैसे प्रीलिम्स था तो प्रीलिम्स मैंने पहले अटेम्प्ट निकाल लिया था कुछ बहुत ज़्यादा। लेकिन मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस बिना गाइडेंस के निकलता ही नहीं। तो जो मेरी सबसे बड़ी कमी तो उसमें क्या हुआ कि एक तो मेरे सामने कंस्ट्रक्ट की वजह से कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिल पाई थी जहाँ पर तैयारी कर सके पूरी तरह से। आफ्टर जॉब मेरे सामने रहा कि टाइम नहीं रहा। तो मैं बहुत बड़ा जो रीजन मानता हूँ आज भी वो करंट अफेयर को जो डेली जैसे सर आप कराते हैं, ये शुरू से था कि अगर हम डेली एडिटोरियल और करंट अफेयर को डेली नोट करें तो ये ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे आपकी तैयारी का बहुत बड़ा पार्ट वहीं से कवर हो जाता है। और चूंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिस वजह से कभी फॉलो ही नहीं कर पाया इसको मैं। और मैं देखता हूँ नए नए एस्पिरेंट जो आते हैं वो थोड़ा सा ले जाते हैं तो डेली कोशिश करते हैं, अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। अगर डेली करेंगे तो डेली मैं बिगेस्ट मिस्टेक बोलूंगा तो ये वाली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो है कि जो मेंस की जो गाइडेंस होती है स्पेशली कि हमें जो है आंसर राइटिंग सिंपल से सेंटेंस होता है जो आज के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट ज़रा थिंक। तो उस समय क्या होता था कि टेस्ट सीरीज आज काफ़ी सारी आ चुकी है, जो आज की डेट में जो ऑनलाइन बहुत सारे मॉड्यूल आ चुके हैं। मतलब जो एस्पिरेंट है कुछ मुझसे पूछता है तो कहता भी हूँ कि आज की डेट में जो इंटरनेट इस तरह से निकल के आया है और जैसे आपके एफर्ट्स हैं और एफर्ट्स हैं काफ़ी इस तरह निकल के आया कि कैंडिडेट चाहे तो अपना घर पे बैठ के बहुत सारी अच्छी चीज कर सकता है, ये पहले के टाइम में नहीं था। मतलब तो आपके इसमें हिसाब से क्या अब रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे से अवेलेबल हैं। जब आपने पहला अटेम्प्ट कब लिया था? ये 3 लिया था मैंने जी। अच्छा, 2003 में। ओके, तो मतलब आपके अटेम्प्ट 16 है, लेकिन जर्नी तो कम से कम 20 साल की हो गई। हाँ एक्चुअली हुआ था बीच बीच में, चूंकि ब्रेक की कोशिश भी की थी मैंने, जैसे मैं भी आया था तो कोशिश थी मेरी कि पहले अटेम्प्ट कुछ किया जाए। तो प्रीलिम्स तो मैंने पहले अटेम्प्ट निकाला हुआ था और सेल्फ स्टडी से ही उस समय जो है, लेकिन चूँकि मेंस की गाइडेंस नहीं थी मेरे पास और काफ़ी मार्जिन मतलब कम मार्जिन से ड्रॉप हो रहा था मेरा लगातार। तो हाँ मैं आप एक जॉब के बाद बार, क्या हुआ दिक्कत नहीं हाँ सॉरी सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। वैसे क्योंकि हमारा जो ये जी। इंटरेक्शन है, ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी करें, तो आप कई बार ऐसा देखते हो कि 2003 के जो, जब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आपके साथ तैयारी की होगी, अब तो वो काफी सीनियर ऑफिसर बन गए होंगे, है ना? आपके जानकार होंगे भी हाँ सब हाँ ऐसे। काफ़ी सारे मैक्सिमम जो है इवन एक्चुअली मैं पीसीएस में मैंने जो ऑप्ट की थी पीआरटी पर समाज कल्याण अधिकारी की थी, मेरे बैचमेट जो जिन्होंने दूसरी सर्विस ऑप्ट की थी वो मेरे को सीनियर बने हुए हैं, पीसीएस में उनका आपका दो दो ऑप्ट सिलेक्शन था। 2007 में हुआ था, है ना? हाँ 2004 बैच था, ये 4 का बैच था, रिजल्ट जो साथ में आया था तो ठीक है, पीसीएस थोड़ा डिले होता था। समझ गया। तो आज भी कितने सारे पीसीएस डिले ही होते हैं। अब एमपीपीसीएस के बच्चों को कितना परेशान किया जा रहा है। एमपीपीसीएस में उनका शायद मेंस क्लियर हो गया और अभी तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और कई बार तो यूं होता है कि मतलब बहुत बार धांधलीबाजी में फंस जाता है। छोड़ो, आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर ये हो। बहुत नहीं बहुत सारी चैलेंज रहते हैं, बहुत सारे जो है इसकी तो यूपी तो स्केलिंग वाला जाता है। ठीक है,
तो इसी से ना अगला क्वेश्चन निकल के आता है। 20 साल तक आपने तैयारी की है ना, जी 16th अटेम्प्ट में आखिरकार आपने क्लियर किया। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब आपको भी पता है सबके पास तो इतने अटेम्प्ट होते ही नहीं, और एक स्टूडेंट तो इतनी मेहनत करता है, जब तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में, पांचवें अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो पाता तो दिल दुखता है। मतलब आप भी एस्पायरेंट रहे हो, मैं भी एस्पायरेंट रहा हूँ, और अभी भी बच्चों के मेल पढ़ते हैं तो बहुत दुख होता है। अल्टीमेटली देखो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता है ना। तो कैसे, मतलब आपने हिम्मत कैसे नहीं हारी, जब तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, चौथे अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो छोड़ने का मन करता है, काफी दुख होता है, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे झेला जाए। ऐसे हुआ कहता, जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया तो पहले अटेम्प्ट में सबसे जोश था, लगा था पहले अटेम्प्ट में टॉप करना है, जैसे नॉर्मली आते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, लगा बहुत बड़ी कमजोरी रह गई। सेकंड लिया, थर्ड लिया, फिर लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखो फिर अब UPPC से सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद तो लगा कि शायद ख़त्म हो गई तैयारी पूरी। लेकिन चूंकि मेरे साथ एक ससरा पॉइंट था कि मुझे अवसर चाहिए था, ये एक माध्यम रहा मेरे लिए, जॉब जो है मेरे लिए वाली माध्यम था ना, मेरा लक्ष्य था, लक्ष्य जो है सेवा करना था। तो ये चीज़ हमेशा इंस्पायर करती रही। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अटैक हुआ तो अटैक के बाद एक इंस्पिरेशन आया था कि एक्चुअली जिस साल अटैक हुआ तो मुझे पता था कि तैयारी नहीं है, और उस हालत में बहुत ही अलग हालत में था। तो खाली अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो अटैम्प्ट लिया था। तो अच्छा तो आपने होता ब्रेक क्या है, कब जैसे लिया। हाँ एक सेकेंड, जी आप कंटिन्यू कीजिए फिर मैं पूछता हूँ। हाँ हाँ, तो ब्रेक जो मैंने उससे अटैम्प्ट लिया था नाइन में, वो इसलिए लिया था कि मैं अपना देखना चाहता था मैं जिंदा हूँ कि नहीं। जो अटैक के बाद जो चांस सिनेरियो बना था, ऐसा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेंटली मर गया हूँ। तो उसके लिए अपने आपको लिया गया, चूंकि ये तैयार ऐसी तैयारी सब मेरे साथ तैयार है, सीख रहे हो बहुत मेरा तैयारी। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद में भी जब आगे बढ़े, तो मेरे साथ फायदा क्या था कि अटैम्प्ट मिलने से थोड़ा सा फायदा मेरे लिए हो रहा था कि जॉब में फायदा हो रहा था। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था, तो मेरे सीनियर्स ऐसे नहीं थे जो गाइड कर पाते। तो तैयारियों में पढ़ रहे थे यहाँ पर, इवन जो एथिक्स आया, केस स्टडी आया, तो काफ़ी मतलब मुझे जॉब में बहुत फायदा हो रहा था, मेरे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई थी। और बाकी में टू फ्रेंक के एक तरह से होप, मैं भी होप होपलेस था एकदम, होगा कि नहीं, छोड़ ही चुका था, एक जो एंजॉय आने लगा था इसमें, इसलिए कंटिन्यू कर पाया चीज़ों को, ओके। सीखने को जो मिल रहा था मुझे। इससे पहले भी आपने तो इंटरव्यू दिया था या फिर आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है। ये फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा यूपीएससी UPSC में का। फर्स्ट इंटरव्यू था। जी, तो तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन निकल के आता है जो मुझे पूछना है। आप जी पूरा कर सर, लीजिए आंसर, फिर तीसरा क्वेश्चन हाँ, पूछता तो ये जो कहते हैं लोग कि सिलेक्शन और सिलेक्शन नहीं, भाई सिलेक्शन हुआ ठीक है, ना होता तब भी मैं अपना काम कर रहा था। मैं हूँ। कभी कोशिश सोचा ही नहीं कि मुझे सिलेक्शन की जरूरत थी कि काम करने के लिए, बस सिलेक्शन इसलिए जरूरत थी कि जो काम कर रहा हूँ उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो, जैसे काम, एक तो मैंने अभी स्टोरी पढ़ी थी कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये चीज़ थोड़ा एक मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है हमें सेवा करने का, आप इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे साथ तो ये था चूंकि, और ये हाँ इसमें डाउट नहीं, ये मीडियम जो होता है ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है पैसा खर्च करने के लिए अच्छे से, दैट इज नथिंग। तो जो इसको इस तरह से लेते हैं कि ये नहीं तो कुछ नहीं, तो शायद ये गलत है। और रही चीज की बात कि जैसे अपनी बार बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि हुआ है, तो मेरे लिए खुद एक चमत्कार टाइप की चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाकी में जो टूटन होती है, टूटे होते हैं, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले टारगेट मेरा वही फोर्थ अटेम्प्ट वाला था, खुद का दुगानी में, और अटैक जो हुआ था, अटैक के बाद, अटैक ना होता तो शायद मैं ड्रॉप भी कर देता है। काफी मुश्किल समय झेले आपने सच में। नहीं, अटैक के बाद एक्चुअली हुआ क्या ना, वो इसलिए करना पड़ा था मुझे, सिस्टम में और अवसर चाहिए थे। सारे दोस्तों समझाया, जब अटैम्प्ट हैं तो क्यों नहीं लिया जाए। तो ये चीज़ रही, चीज़ें सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन है कि आपके इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स क्यों दिए, 110, क्या हुआ था इंटरव्यू में। हाँ सर, एक्चुअली तो मेरे लिए भी कुछ शॉकिंग है, क्योंकि जो इंटरव्यू चला था तो इवन अच्छा, मुझे एक गाइड भी किया था लोगों ने कि किस तरह से बताना है, मैनिपुलेटिव बताना है उनको, लेकिन मैं ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी जो फेथ होती है सबकी तरह, तो मैं ऑनेस्टली गया था उनके सामने, जो भी क्वेश्चन थे कोशिश की थी ऑनेस्टली हर आंसर देने की कोशिश किया ना, कोई तो आपको ऐसा भी लगा कोई था नहीं। इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। हाँ, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा, सही लगा मुझे काफ़ी, इवन एक दो चीज़ पर तो काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था मुझे। अच्छा
उनको हो सकता है वो ब्लफ करने का तरीका हो सकता है। तो जो मार्क्स आए एवरेज मार्क्स भी होते तो ये लगता कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि काफी गलत जाता है, लेकिन इतने कम मार्क्स वाला है तो खाली एक ही आंसर बचता है आईपीएससी को, लगता है कि मैं सीटेल कैंडिडेट नहीं हूँ इस सेवा में आने के लिए, तो तो ऐसा भी हो इसके सकता है अलावा कोई कि ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि शायद उनको यूं लगता हो कि अभी थोड़े यंग जो कैंडिडेट्स हैं ना वो ज्यादा बने, मतलब जी आपकी एग्जैक्टली अभी चूंकि अब सर्विस ज्वाइन करोगे तो आपके पास एज कम बची है, शायद उन्होंने ऐसा सोचा जी हो। जी हाँ एक्चुअली जो सीनियर से जो गाइडेंस हुई, ये तो एक्चुअली जब मैं गया था मॉक इंटरव्यू दे रहा था, मैं मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम सब में, तो सीनियर ऑफिसर से कहा था कि ये तो आपके सामने चैलेंज आएंगे, अटेम्प्ट ज्यादा है आपके, आपकी एज ज्यादा है, तो एक कहीं ना कहीं हल्का सा तो नेगेटिव रहेगी, तो आपको इसको ओवरकम करना पड़ेगा। ऊपर से क्या था कि मैं एक्चुअली सस्पेंड रहा था बीच में, तो मैंने ऑनेस्टली उस सस्पेंशन को लिख दिया था, दिया डेफ में, तो हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हो। उसके बाद क्या है कि एक दो जगह ऐसा ऐसा हुआ था कि तो हियरिंग की और इश्यू रहता है मेरे साथ में, तो एक सवाल जैसे समझ में नहीं आया था तो मैं कैश किसी द्वारा बताने के लिए, तो उन्होंने इसको स्किप कर दिया था क्वेश्चन को, तो चीज़ है। और उसके अलावा ये जो भी चीज़ है वो एक्चुअली होता क्या है कि सिस्टम में, आज एक बात हो रही थी एस्पिरेंट से, मेरा कहना सबसे यही होता है कि जो सिस्टम है उसी हिसाब को आगे बढ़ना है, जिस दिन आप सीट पर बैठो तब बदलिएगा, सही बात अभी है। आपको मौका मिलेगा हमेशा ऑप्शन। हम क्या करते हैं कि आज हम चाहते हैं सिस्टम बदले, पर जब सीट पर बैठते हैं तो सोचते हैं जब चलना चलने दो, तो ये सिस्टम चीज में रहेगी चीज अंदर आने के बाद बहुत दिक्कतें आती हैं, है ना? नहीं। हाँ दिक्कतें अगर नहीं आ रही होती तो सारे लोग ईमानदार होते, वो तो जानबूझ के करप्ट बनाए रखने के लिए दिक्कत की जाती है कि लोग करप्ट कैसे बने, अदरवाइज जो करप्ट लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, इसमें डाउट नहीं, करप्ट लोग जो हैं करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा आप एक ईमानदार जी बात मेहनत नहीं बताओ, करते। हाँ एक बात आप ये बताओ, आपको सर्विस कौन सी मिलेगी? मैंने एक्चुअली केवल आईएएस ऑप्ट की मैंने, तो जाहिर है मिलेगी वो तो मिलने के चांसेस नहीं है, तो नहीं मिलेगा? उसमें हाँ नहीं तो गाइड किया लोग सबने गाइड किया है कि अटेम्प्ट दूसरा ले रहा हूँ, एक और ले रहा हूँ मैं, तो अच्छा, इस बार उसमें गाइड किया है जी जी बचा इस बार हुआ आपने है। दिया है या फिर लोग हैं? हाँ नहीं दिया हुआ प्लेस दिया हुआ है अच्छा, प्रीलिम क्लियर हो गया, जी जी सर, तो चलो बढ़िया, मुबारक हो आप, थैंक अच्छे से यू। तो बिल्ड उसमें करके। ऐसा हाँ वही कोशिश जा रही है, एक्चुअली जॉब के साथ है ना बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं जॉब को ज़्यादा टाइम दे रहा होता हूँ, तो होता क्या है कि उसे सबने गाइड किया है मुझे कि चूंकि ये वाला इसके ऑन केवल मैंने आईएएस ही ऑप्ट किया था, तो शायद इससे भी उनको लगा होगा कि जिद्दी टाइप का आदमी है, तो अच्छा उनका कहना है कि इस बार रैंक पर अगर तुम्हारा कुछ नहीं आता है तो शायद ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा दोबारा से, तो सबने गाइड किया है कि इस बार एक काम कीजिए कि रिप्रेजेंटेशन दे के कोई भी सर्विस ऑप्ट कर लो, अच्छा तो उससे क्या रहेगा कम से अगली बार ये रहेगा कि हाँ जिद्दी नहीं है ये भी अपना कैरियर चाह रहा है, अदरवाइज जो आपने नेगेटिव इस इम्पैक्ट बार रहता सिलेक्शन हुआ 683, सिर्फ आईएएस ऑप्ट किया तो वो नहीं मिलेगा, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा इसका मतलब? है। हाँ अच्छा यही है, लेकिन बात हो रही है शायद रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है, कि अच्छा, ग्रुप बी टू रिप्रेजेंटेशन आपका हो रिप्रेजेंटेशन गया। दिया जाता है कि जो जो सर्विस होती है जो हो चांसेस तो उसको देखने की बात चल रही है, तो ठीक है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा ठीक है, चलो रिंकू जी, जी इस इंटरेक्शन को हम छोटा ही रखते हैं, जी और सर होपफुली जो एस्पायरेंट्स हैं उनको ये इंटरेक्शन अच्छा लगा होगा, और आप अपना भी जो सुझाव है इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।